कैसे हो आप सब? मेरा नाम है कुकी। कुकी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नया नाम न्या व्हाट हैपेंड टू मी मेरा नाम है कुकी। क्या कर रहे हो? किधर आए? किधर आए? किधर भी नहीं है। इसके कपड़े तो देखो ना, किसने कपड़े बनाए इसके? इसके जूते तो देखो ना, पापे तो देखो। हम आपको दिखाते हैं इसके कपड़े और जूते, ठीक है? ओकी, कपड़े दिखा। खेलना देखो इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, क्या हुआ कुकी को? मैं तो नहीं देख रहा। कैसी हो पापा? तुम्हारी यारी। आजो, पकड़ो मेरे हाथ, पकड़ो मेरा हाथ। ओ मिली बेबी, आजो। फातिमा बच्चों को रुलाते नहीं, बच्चों को रुलाते नहीं। मैंने क्या किया? मैंने ये किया? मेरे पास नहीं आते, मेरे पास नहीं आते। जो है ना, बिल्कुल डाउन हूँ आज। वो लग रहा है, वो नींद पूरी नहीं है मेरी। तो सो जाओ ना, क्या करोगी? अच्छा, यस, सो जाओ, रेस्ट करो। सही है, आपका सारा काम मैं करवा लूंगी। कर तो नहीं सकती। करवा ही सकती मामा। वैसे बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट आई है कस्टर्ड कुनाफा की रेसिपी के लिए। अच्छा, आज बना रही हूँ मैं। बना रही हूँ, बस हम शूट भी कर लेंगे आज। चलो। वैसे वाकई बहुत ज्यादा मजेदार था। बहुत मजेदार, जिंग। इसकी शर्ट देखो, ये कह रहे हैं कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, आजादी मांग रहे अभी से। हाँ कुकी, एक्टिंग देखो, एक्टिंग देखो इसकी। किधर जाते ही? आज इस तरह का मौसम है कुहाट में, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, धूप भी है और अच्छी हवा भी चल रही है। मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के और आप सबके लिए ईद मेकअप लुक ट्यूटोरियल बना लूँ यूट्यूब चैनल पे, कि आप लोग इजीली उसको फॉलो कर सकें और आसान सा ही ट्यूटोरियल हो, कुछ ज़्यादा टेक्निकल या मुश्किल चीज़ ना हो। वैसे मेरा रूम तो बहुत ज़्यादा मैस है अभी, लेकिन जिन लोगों को प्रोसेस नहीं पता वो ये है कि मैं एक सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करती हूँ अपना ट्यूटोरियल शूट करने के लिए, ट्रांजिशन शूट करने के लिए। एक मैं रिंग लाइट यूज़ करती हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना की, वो पीछे पर्दों के ऊपर ही बैकड्रॉप लगा लेती हूँ। मेरे पास स्टैंड्स हैं लेकिन स्टैंड बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेते हैं। अपनी पफरी रख लेती हूँ और सामने टेबल जहाँ पे मैं अपना मिरर और मेकअप रख लेती हूँ। और ये है मेरा रूम, बहुत ही ज़्यादा मेसी है अभी फ़िलहाल। और मैं क्योंकि कुहाट होती नहीं हूँ तो मैंने अपने इस रूम को एज अ मेकअप स्टूडियो अपना सेट किया हुआ है।
प्रॉपर मामा का सैलून का सेटअप नीचे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मामा के पास इतनी ज़्यादा रश होती है कि स्पेस का इशू आ जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो डिपार्टमेंट है जस्ट लाइक हाइड्रोफेशियल, और हम लोग की नज़र हाइड्रोफेशियल पे जाएगी ही नहीं, ये मेरे गंद पे जाएगी ऑब्वियसली। ये जो है ये मैंने स्नैक, पता नहीं कौन सा पेज है इंस्टाग्राम पे, देसी स्नैक्स, यस वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किए हैं, और ये फातिमा और मेरे फेवरेट स्नैक्स हैं। सो दिस इज़ हाउ आई लुक। ये मैंने ईद ट्यूटोरियल लुक क्रिएट किया आप सबके लिए, जो कि जल्द ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। नेचुरल लाइट में इस तरह लग रहा है मेरा मेकअप। मैं बहुत लाइक करती हूँ अपने व्यूअर्स को दिखाना अपना आर्ट इन डिफरेंट लाइट्स, डिफरेंट एंगल्स, कि एज अ व्यूअर आपको पता चले कि मेरा मेकअप किस तरह लग रहा है इन डिफरेंट लाइट्स। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये लुक कैसी लगी। हाँ वो दिखाई है कुकी, ये ना कुकी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बन रहे शुल्ला। ये मक्खन में हमने इसको फ्राई कर रहे हैं सेमियों को, और अभी हम इसमें शुगर डालेंगे। चीनी कितनी डालनी है? ये डाल सारी डाल दी, थोड़ी सी और भी डालो इसमें। और ये हमारा अंदाज है, जितना आप मीठा खाते हैं उसके मुताबिक बनाएंगे आपको। डालो डालो डालो, सही है। मुझे भी दे दो चीनी कि मैं भी डाल लूँ कस्टर्ड। हर चम्मच वहाँ बस में आनी है। ये चीनी घुल जानी चाहिए, चीची नहीं, चीची घुल जानी चाहिए। कितना फ्राई करना है आपने इसको? कस्टर्ड का तो वही तरीका है, 1 लीटर में भरी हुई 1 या 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर की। जितना मीठा खाओगे उस हिसाब से अच्छा। इतना डालें कि आपको पता हो कि अल्लाह ना करे, लेकिन आगे आप लोगों को अल्लाह ना करे। ली है मिल्क पैक वाली घी, नेस्ले की घी। ये हमने सेमियां भून के और इस तरह बेस बनाई है। बेस बनाएंगे सेमियों की, फिर उसके ऊपर क्या डालेंगे? मैं डालती हूँ तुम्हारे सामने। सही। और ये पाइन एप्पल भी यूज होंगे और जेलीज भी। जेलीज भी हाँ, फ्रिज तक ही मेरे पास। ये गरम गरम ही डालेंगे। हाँ ना, किसी को मसला तो नहीं होगा, ये बेस इसकी वो क्रिस्प तो नहीं खत्म होता। नहीं नहीं, नहीं। इसी के साथ सेट हो जाएगा ये। आप अगर चाहते हैं आपका कस्टर्ड थोड़ा ज्यादा थिक हो तो आप कर सकते हैं कि वो इंटैक्ट रहे आपकी स्वीट डिश, लेकिन हमें इस तरह ज्यादा अच्छी लगती है। बहुत थिक कस्टर्ड इन्हें नहीं अच्छा लगता ना, कोई चखने वाला भी नहीं है कि पता चले हमें कि ये अयान के दे रहे। अयान नहीं है आज, रोज है उसका, छोटा बच्चा है अयान। अच्छा को हम विस्क करेंगे अच्छे तरीके से। क्रीम डाल रहे हैं, कंडेंस मिल्क भी दो मुझे, ये पड़ा हुआ है। बस अच्छी बात है, स्वीट होना चाहिए इंसान को। इंसान को तो होना चाहिए, डिजर्ट को बहुत स्वीट। अच्छा वो तो जेलीज दो, फाइव चॉइस डाल रहे हैं, बनाना जेलीज और स्ट्रॉबेरी जेलीज को आठ में शॉर्ट है, शॉर्ट है यहाँ। अगर आप लोगों को पता है कहाँ से मिल सकती है तो हमें बता दें। इधर भी नहीं है, मैं फिर ही आऊँगी। अच्छा आप ही गई? हाँ। आप लोग ने इस तरह के क्यूब्स नहीं करने, मामा चट्टी के क्यूब्स कह रही है, आप प्रॉपर क्यूब्स कीजिएगा। यही लोग जो आए अभी कि और आए हैं आप? नहीं, और आए वो तो बीबी मर्जिया है।
लोग किसी ने रखना अपने बच्चों का नाम तो क्या बीबी मर्जिया मर्जिया बीबी मर्जिया खा खा तो बस हमने इस तरह से इसको और उसके ऊपर अभी फ्रूट्स भी डाल लिए मैंने और फ्राई किए हुए आमंड्स बस लास्ट फिर पिक्चर तुम लोगों को दिखा देना हाँ, बस ठीक है बाल बिखरे हुए कहाँ से आ गए हो ड्यूटी दे रहा हूँ मैं इसकी ऐसे किन्हीं नहीं अभी उठा ना माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है नज़ारा भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है और अल्लाह ताला ने हम पे इतना करम किया है कि हमारा पूरा रमज़ान इतने अच्छे मौसम में गुजर गया जो सोचा भी नहीं था कि हम अप्रैल में इस तरह का मौसम इंजॉय कर सकेंगे बहुत ही हसीन रातें हैं बहुत ही खूबसूरत दिन हैं रमज़ान जाने वाला है और बहुत ही पाक रातें हैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब हमें मुझे और मेरी प्यारी सी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा ये जा रही है इफ्तारी मेरे ससुराल जोर खत्म हो गया फातिमा यम 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 तुम जाती हो नहीं मैं भी जा रही नहीं तुम जाओ मैं अपना तुम कह रही थी ना मैं जाऊंगी अभी नहीं तुम जाओ झूठी बात है बहुत टेंशन हो गई है भाई बहुत टेंशन हो गई है आखिरी दिनों में जब पार्लर में भी काम हो और किचन भी मेरी अम्मा को संभालना तो बड़ी टेंशन हो जाती है हाँ बड़ी टेंशन है आज उल्टा मुझ पर भी गुस्से में थी कि छोड़ो ये ट्यूटोरियल आके किचन में काम करो मैंने कहा मसला ये है ना आज छोटे छोटे बच्चों के भी रोजे हैं जो मेरी नमक चखते थे और कोई चखने वाला नहीं है नमक मेरी अब पता नहीं कि कैसा होगा अच्छा ही होगा सब कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाय द वे जितनी दुल्हने हैं जिनकी ईद के बाद शादी है आके चांद रात पे अपनी सर्विसेज ले लो 15% ऑफ पे तुम लोगों को सर्विस मिलेंगी फिर दुआएं दोगे मुझे नहीं दी कभी शोले की रेसिपी ओह यस नहीं वो पेंडे की दी थी शोले की नहीं शोले की रेसिपी शूट करेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद चमड़ी बेबी ड्रामे चेक करें इसके इसने भी मुझसे ड्रामे सीखनी है इधर देखो हम जा रहे हैं कहीं इफ्तारी ड्रॉप करने और साथ ये कुकी भी जा रहे हैं घर आ गए चलो आ जाओ चलो जाता नहीं है ओ बदतमीज में देखते हैं तुम्हें देखते हैं चलो चल जाओ लो लो पास जाओ वो देखो वो इधर आओ कुकी आ जाओ आ जाओ ये आइए इफ्तारी हमारी स्वीट स्वीट आमना आपकी तरफ से
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है आज का मेन्यू। इन नेमतों को भी कुछ ही दिन रह गए वैसे। फिर आम खुराक, सादा गज़ा। सबने खा लिए, 7:30 होने वाले, हम अभी पहुंचे। मैं लेट क्यों हूं उसकी वजह जानने के लिए मेरा व्लॉग देखें। और ये कचालू का से है वो भी व्लॉग में पता चल जाएगा, लेकिन मैं इन सब में से सबसे पहले ये वर्ल्ड फेमस कचालू ट्राई करने वाला हूं। वर्ल्ड फेमस ना, मैं तो वर्ल्ड फेमस कहूँ। यू वोंट लाइक इट। नहीं कसम से मजे की, मुझे कचालू नहीं पसंद, ये मजे की है, सही है ना? इसका वो चटनी मजे की है बहुत। ये पापा के फेवरेट है और मेरी भी। मुझे बाकी कचालू नहीं पसंद, ये बहुत मजे है। नजारे और कुछ प्यारी प्यारी बातें कर रहे इफ्तारी के बाद। क्यों बड़ी है ना? करा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? आपके अबू की चेकअप करवा रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। नहीं अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर साहब क्या रिजल्ट है? रिजल्ट नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, 130/70 है। A1 है। मुझे चेक करवाते रहिए, आपको इसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ वेरी 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 बिजी डे एट सैलून। आई विश कि मैं आप सबको दिखा सकती अपनी रूटीन, अपने प्यारे प्यारे क्लाइंट्स और स्पेशली हाइड्रोफेशियल्स और उनके रिजल्ट्स, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाइड्रोफेशियल्स थे। क्योंकि जब क्लाइंट आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे रहा होता है फॉर द फेशियल, तो वो एक्सपेक्ट भी कर रहा होता है उसी तरीके का रिजल्ट। एंड हाइड्रोफेशियल 4 सिटिंग के बाद जो ग्लो आता है स्किन में, ट्रस्ट में बहुत ही अलग ग्लो होता है। जो लोग हाइड्रोफेशियल में इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनका बजट इतना नहीं है, वो इतना पे नहीं कर सकते, उनको मैं ये ऑफ़र दूंगी। हमारी सिर्फ चांद रात तक की 15% ऑफ की ऑफ़र है, जिसमें आप अगर 8000 वाला हाइड्रोफेशियल लेंगे जो कि इन कॉम्बिनेशन विद थेल्गो होता है, तो वो आपको पड़ेगा 6900। और अगर आप लेंगे हाइड्रोफेशियल विद नॉर्मल फेशियल, तो वो आपको पड़ेगा 5100। किस बात की देर है, आए और अपना हाइड्रोफेशियल करें और आला रिजल्ट्स देखें। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर करें अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं करीब हैप्पी एंड हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़।